Hi, this is Neha Marda. Date of birth, 23rd September. बहुत ही normal था, as in any मारवाड़ी family में जैसा होता है. वो बचपन से सपने दिखाए जाते हैं कि बस 19 साल होगी और तुम्हारी शादी हो जाएगी. And waiting for the dream boy to come. So हमेशा से बहुत ही family, joint family, बहुत सारी functions, तीज, त्योहार, व्रत, यही सारी चीज़ों में पूरा बचपन बीता है मेरा. Yaadgar pal, I think all the moments with the family are my best times I've spent with them. मैंने अपने मम्मी पापा के साथ जितना भी वक्त बिताया है, खैर अब शादी के बाद मुझे और realize होता है कि वो वक्त कितना important था और कितना महत्वपूर्ण था. So I cherish all those moments and I just wish कि मैं फिर से बच्ची हो जाऊँ और उनके साथ वापस वो वक्त बिता सकूँ. My mom and dad, my dad is a lawyer and a legal advisor and so he's the best person in my life to advise me for every small thing. हर छोटी चीज़ों के लिए सबसे पहले advice dad से ली जाती है. कायदे से practically तो कहते हैं कि dad से advice लेनी चाहिए because he is a legal advisor. But मेरी ज़िंदगी का हर पत्ता मेरी माँ से हिलता है. So I think my mother plays a very very important role. मैं अपनी माँ को अपनी परछाई नहीं, मैं खुद अपने आप को अपनी माँ मानती हूँ. Because मेरी माँ जो है वही मैं हूँ. So I am just a replica. हम दोनों एक सिर्फ मिरर इमेज है और मैं हमेशा से अपनी माँ की तरह बनना चाहती थी एंड आई विश कि मैं बन जाऊँ किसी दिन अपनी माँ की तरह. शी इज़ अ वेरी सिंपल नॉर्मल हाउस वाइफ एंड बट आई थिंक हाउस वाइफ आर द मोस्ट बिगेस्ट एंड द टफेस्ट टास्क व्हाट दे गो थ्रू इन लाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ बीइंग देयर डॉटर. नेटिव प्लेस इज राजस्थान चोरू. आई एम बॉर्न इन ब्रॉट अप इन कैलकटा and now working in Bombay and got married in Patna. My first crush, my computer teacher. जब मैं 6th standard में थी तो मुझे अपने computer teacher पे crush था. समझ ही नहीं आता था कि उसको crush बोलते हैं, बस अच्छा लगता था. बाद में realize हुआ कि उसे crush कहते हैं. It's an arranged marriage, तो पंडित जी ने दोनों तरफ कुंडलियाँ दिखाई थी दोनों घरों में और दोनों घरों में I think they like the photos, they like the profile, they like the family. फिर हम मिले in a restaurant like a typical arranged marriage and उसके बाद हम मिलते गए हमने बहुत वक्त लिया लेकिन हाँ this is how much I would want to say हम दोनों मिले इसी तरह से. That's it. I always wanted my partner to be a businessman and secondly he should wear specs. मुझे क्लास स्पेक्स पहनने का बहुत शौक था और मैं चाहती थी कि माय पार्टनर शुड ऑलवेज वेयर वन ऑफ देम एंड आई थिंक आयुष्मान फुलफिल्स ऑल ऑफ देम. या माय फेवरेट हीरो इज सलमान खान. अनडाउटेडली, ब्लाइंडली, फेथफुली, लविंगली, एवरीथिंग इज सलमान खान. हीरोइन आई थिंक आई लाइक अ लॉट ऑफ देम. इन रीसेंट टाइम्स आई लव आलिया भट्ट. शी इज़ प्रिटी, ब्यूटिफुल, नेचुरल. नो मैटर लोग उनके बारे में कुछ भी बात करते हैं विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बट अपार्ट दैट जो उनका काम है शी इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. शी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी न्यू. आई लाइक काजोल, शी इज़ वेरी गुड. आई लाइक करीना, शी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. आई जस्ट थिंक दे आर वेरी वेरी गुड. दीपिका पादुकोण, ओ माई गॉड, शी लुक्स सिजलिंग हॉट. My favorite film is Jab We Met. I liked Alia Bhatt in Highway. I liked Alia Bhatt in what was that? Varun ke saath kaun si film thi? Humti Sharma ki Dulhaniya. These are few movies. I think they are very light, refreshing. At the same time, you're so natural. So I love these movies. Yeah. My favorite song is Bade Achhe Lagte Hain. I love this song. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती नदियाँ ये रहना और तुम. अल्टीमेट एम इज टू बी अ सुपर मदर. मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ. आई थिंक वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैं तभी सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करूँगी. नो वर्क, नो फैमिली, नथिंग कैन मेक मी दैट मच सेटिस्फाइड द डे आई कम टू नो कि मेरा बच्चा. आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी गुड मदर. आई वुड बी अ प्राउड मदर इफ आई कैन डू दैट.
पाँच साल बाद मैं अपने बच्चों के आसपास होना चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी अपना कोई परसेप्शन नहीं रहेगा. आई बी जस्ट रनिंग आफ्टर देम. उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी होगी. तो मुझे लगता है कि आई सी माई सेल्फ देयर. ये तीन रिश्ते सास बहू और बेटी सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट रिलेशनशिप यू कैन एवर हैव इन लाइफ. मैं खुद शादीशुदा हूँ एंड आई एंजॉय दिस लाइफ कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ यू पीपल. आप लोगों की वजह से हमारी एक नई दुनिया बनती है जिसे सास बहू और बेटी कहते हैं, और आप सास बहू बेटी मिलकर हमारी नई दुनिया बनाते हैं. सो कीप वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग सास बहू बेटियाँ, एंड कीप लविंग अस. थैंक यू सो मच.